रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जी जरीना बलोच जन्म के हवाले से फीचर पेश कजे तो जी जरीना बलोच 19 दिसंबर 1937 गोठ अलादाद चंड में पैदा थी। संदस असल नालो जीजी जो आमना हो। संद जा मानू इज्जत में खैस जीजी के लकब से सदींदा हुआ। पान बेहतरीन गुलूकारा लेखका सदाकारा रही है। जरीना बलोच इब्तदाई तालीम काजी अब्दुल कयूम स्कूल हैदराबाद में हासिल कई। सिंधी फाइनल जो इम्तिहान पास कर बाद में मैट्रिक आलम फाजिल जहा इम्तिहान पास कया। मौसीकी की दुनिया में 1960 ईस्वी में कदम रखियो। राग की सिख्या उस्ताद मोहम्मद जुमन का हासिल कई। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद संदस पेरों रिकॉर्ड मोहम्मद जमा शाह की काफ़ी रिकॉर्ड थी। उन फन की डाकण जहा डाका निहायती कामयाबी से तय कंदी रही। जीजी पैं लोक गीतन ए शहरन में सिंधी सकाफत के जै नमूने से उजागर किया सचपच तो संदस वो कारनामो हो। जरीना बलोच टेलीविजन ते पिण लोक गीतन जा सत प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया जिन बेहद मकबूलियत माणी। जरीना बलोच एक बेहतरीन अदाकारा पिण हुई। टेलीविजन ए रेडियो ते मुख्तलिफ ड्रामन में संदस किरदार लाफानी रंग भरया हुआ। 1974 का टीवी जे ड्रामन में कम करण शुरू कयो। संदस पेरियों ड्रामो जीनत हो। सदाकारी जे मैदान में रेडियो पाकिस्तान जा सवें ड्रामा संदस आवाज जी सूह से संवारल। 1975 का 77 ताईं रेडियो पाकिस्तान ता औरतुन लाए खास प्रोग्राम सरतन सथ पिण कयो। जीजी जरीना बलोच जी शख्सियत घण रुखी रही। गुलूकारा सदाकार सा गड एक बेहतरीन लेखका ए सुजाग जहन रखंदड़ औरत हुई। जीजी जरीना बलोच जी पेरी कहानी जीजे जे नाले सा 1966 में रू रिहाण में छपी। बी कहानी 1967 में सुणी रिसाले में छपी। संदस कहानी जो मजमू तुंची गोला तुंजू गालियों जे नाले सा छपियल है। जीजी जरीना बलोच कुछ कहानी जा तर्जुमा भी कया। जीजी जरीना बलोच बाबत जेब सिंधी साहब जो चवण है त जीजी जरीना बलोच जे लाइ मां माज़ीअ जो सीगो इस्तेमाल न कंदुसि। छो त जेके माण्हू पंहिंजे देस ऐं देसवासियुनि लाइ सोचींदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ कमु कंदा आहिनि, उहे कॾहिं बि माज़ीअ जो हिसो न आहिनि बणबा। ज़रीना बलोच न फ़क़त तमामु वॾी सिंगर हुई पर साॻे वक़्तु उहो ड्रामा आर्टिस्ट बि हुई, कॉम्पेयर बि हुई ऐं कहाणीकार बि हुई। ज़रीना बलोच रेडियो ऐं टेलीविज़न ते बेशुमार गीत ॻाया, केतिरनि ई ड्रामनि में कमु कयो। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जे प्रोग्राम सुबह महिराण जी कॉम्पेयरिंग कई। रेडियो जे लाइ गीतनि भरियूं कहाणियूं ऐं साॻे वक़्तु सिंधी अदब खे केतिरी बहितरीन कहाणियूं ॾिनियूं। हुन हिकु कहाणी लिखी हुई जंहिंजो उनवान हुयो जीजी। जॾहिं हुन उहा जीजी कहाणी लिखी त उहा कहाणी हुनजो अहिड़ी सुञाणप बणिजी वई जो ज़रीना बलोच जे नाले सां उहो मुक़दस लफ़्ज़ जीजी शामिलु थी वियो। अॼु असां हुनखे जीजी ज़रीना बलोच चऊं था पिया। त उहा जीजी जंहिं बेशुमार लोक गीत ॻाया ऐं एॾा सराहता ॻाया जो मूं सिंधी औरतुनि खे शादियुनि जे मौक़े ते संदसि गीत ॻाईंदे ॿुधो। लोक गीतनि खां सवाइ हुन जदीद शाइरी बि ॻाई। शेख अयाज़ खां वठी केतिरनि नौजवान शाइरनि खे हुन ॻायो ऐं हुन जी गायकीअ जो हिकिड़ो पंहिंजो मुनफ़रिद अंदाज़ हुयो। जीजी ज़रीना बलोच फनकार खां अलावा ज़ाती हैसियत में बि बेहद कुर्बायती ऐं प्यार कंदड़ औरत हुई। जीजी ज़रीना बलोच पंहिंजे फ़न जे हवाले सां असांजे दिलनि में जीअंदी रहंदी। असां हुनखे कॾहिं बि विसारे न सघंदासीं छो त सिंध जे आर्ट ऐं अदब जो अहिड़ो किरदारु आहे
जो सदा सलामत रह दो। जी जरीना बलोच पेंजी हयाती में खूब मान्यता माणी केतरन ही इनामन एजाजन से नवाजे वो जिन में जीवन रंग एवॉर्ड मारवी इनाम सघा एवॉर्ड शहबाज एवॉर्ड वहीद मुराद एवॉर्ड और शाह अब्दुल लतीफ एवॉर्ड शामिल हैं। जी जरीना बलोच जा केतरा ही कलाम रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ता मुख्तलिफ प्रोग्राम में वजंदा रहन था। जी जरीना बलोच 1960 में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज फॉर वीमन हैदराबाद में मास्तरानी मुकर्रर थी। सिनवर्सिटी मॉडल स्कूल में पिण पढ़ायाई 36 साल तालीमी खिदमत करे 1996 में रिटायर थी। संदस या खिदमत वखाण लायक है। जी जरीना बलोच न सिर्फ लोक गीत गाया पर उन जो धुनू भी कंपोज क्यों। जी जरीना बलोच पाकिस्तान का बाहर अमेरिका बरतानिया दुबई कैनेडा में भी फन जो मुजाहरों कयो। रेडियो हैदराबाद के प्रोड्यूसर अनवर बलोच केतरा ही लोक गीत रिकॉर्ड कया। लोक गीतन का सवाए इन मुख्तलिफ सूफी तोड़े जदीद शायर जा कलाम भी गाया। सभी का वधीक शेख अयाज जा कलाम गाया। खबर ना है पर मरण खा पो तो संगद गण जी हसरतू रहंदू तो संगद गण जी हसरतू रहंदू भी खबर ना है पर मरण खा पो जमनी ना रहे रहे न रहे जमनी आखिरकार जी जरीना बलोच 25 अक्टूबर 2005 की रात ते इन फानी दुनिया के अलविदा कयो। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जी जरीना बलोच के जन्म के हवाले से फीचर पेश कयो वियो मेज़बान ए प्रोड्यूसर जिब्रान ज़ेब पेशकेश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद।